मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीना में लोगों को घरों की छतों से बचाया जा रहा है। वहीं दतिया में एक युवक सिंध नदी में बह गया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे शहर और गांवों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बीना के विल्धव गांव में लोगों को घरों की छतों से रेस्क्यू किया गया। वहीं दतिया सनकुआ धाम पर एक युवक सिंधु नदी के तेज बहाव में बह गया। कटनी में चिखली पुल और पान उमरिया में नहर का डैम बह गया है। इमलिया रेलवे स्टेशन में भी पानी भर जाने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, NDRF और SDRF की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कटनी जिले के भमका गाँव में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। नर्मदापुरम में भी 4 घंटे में जल स्तर 2 फीट बढ़ा है, जबकि सेठानी घाट पर जल स्तर 946 दर्ज किया गया है। अन्य जिलों में भी नदी तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे पानी गांव और शहरों की तरफ आ रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। द खबरदार न्यूज की यह न्यूज आपको कैसी लगी? इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहें द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार।